समूचे हिमाचल प्रदेश में टैक्स माफ करने को लेकर निजी बस ऑपरेटरों ने हड़ताल की है, जिसका असर हमीरपुर में भी देखने को मिला। हमीरपुर जिला में ग्रामीण क्षेत्रों को आवाजाही करने में खासी परेशानी झेलनी पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों पर अधिकतर बसें निजी बस ऑपरेटरों द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन हड़ताल के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी पेश आई। कुन्ना निवासी सूरज सिंह की माने तो निजी बसें न चलने से उन्हें काफी परेशानी आई। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी निजी वाहन भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जल्द निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल को सरकार समाप्त करे ताकि आम जनता परेशान ना हो। सर मैं कूना से आया हूँ, मैंने जाना जोर से, मैं जॉब करता हूँ सर, और यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रही है। 4 घंटे हो गए मेरे को यहाँ पे खड़े हुए, 2 घंटे मेरे को लौन पे, 2 घंटे यहाँ पे हो गए। और मैं ये बताओ, मैं गरीब बंदा हूँ, कैसे करूँ? मैं जॉब करता हूँ दुकान में, आप बताओ ना आप कैसे जाए वहाँ पे, कैसे जाएँ बताओ। दिक्कत ये आ रही है, गरीब बंदा कैसे जाएगा, टैक्सी करके जाएगा, कैसे करके जाएगा, ये बताओ ना। सरकारी बसें चल रही हैं तो सरकारी बस टाइम से जा रही है ना अपनी से। बहन निखिल बजाज और साहिल का कहना है कि निजी बसों की हड़ताल से उन्हें आवाजाही में काफी परेशानी आई है। सरकार को जल्द से जल्द निजी बस ऑपरेटरों की मांग का निपटारा करना चाहिए। यही हमीरपुर रहते हैं, अब हमने जो है ज्यादा दूर नहीं, भट्टा भी नहीं जाना है, मान लो मोरसू जाना है, टिक्कर तक जाना है। अब प्राइवेट बसें तो सारी बंद हो चुकी हैं, अब ये जो रोडवेज वाली बसें हैं अब ये तो ज़्यादातर लंबे टूर वाले ही लेके जाते हैं। अब जो भी यहाँ पे आम पब्लिक है, आम जनता है, जो छोटे छोटे टूर पे जाने वाली है, कोई कहीं कोई कहीं, वो सारे इस टाइम पे परेशान है, सभी को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। बहरहाल यही है गुजारिश इस प्रशासन से, थोड़ी बहुत इस चीज़ के बारे में करो, अगर इनकी कोई डिमांड है, कोई दिक्कत है इनकी, उसके बारे में भी सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि सवारी ज़्यादा नहीं है, इनको भी दिक्कत पड़ती है, काफ़ी लंबे टूर पर ले जाते हैं लोग भी, अब सवारी नहीं होगी तो ये भी कहाँ से करेंगे पूरा। मैं हमीरपुर में ही रहता हूँ, मैंने भोटा जाना भी है, और इस प्राइवेट बस की हड़ताल से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा लोगों में निराशा दिख रही है लॉकडाउन की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए, जयराम सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कि भाई जो गवर्नमेंट बसें हैं जितनी भी खड़ी हैं वो सारी रोज चला दें, जो प्राइवेट बसें हैं ना इनको बंद ही कर देना चाहिए नॉर्मल तौर पर, तो किराया बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। वहीं पूनम कुमारी ने कहा कि उन्हें बसें ना मिलने से काफी परेशानी पेश आई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द निजी बस ऑपरेटरों की समस्या का हल किया जाए। दिक्कत आ रही है, जैसे हमने बाजार जाना, बीपी हाई हुआ है, दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, बहुत मुश्किल होती है बसों के बिना। तो हरसन जाना, मैंने हमीरपुर को आई हूँ, हरसन जाना, बीपी हाई हुआ है, बसों की प्रॉब्लम है। अब हमारे गाँव में सरकारी बस आती है, वो भी रेगुलर चलनी चाहिए जैसे जैसे उसका टाइम है, और प्राइवेट आती है, और एक बस सरकारी सुबह जाती थी, वो तो नहीं आ रही है कम से। वहीं निजी बस चालक रमेश चंद का कहना है कि सरकार ने वायदा किया था कि टैक्स माफ किया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों का कोई टैक्स माफ नहीं किया, जिसके चलते हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, COVID-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारी प्राइवेट गाड़ियां जो खड़ी हैं तो हम टैक्स के लिए अप्लाई करते हैं, इन्होंने बोला माफ़ कर दें, अब तक कोई हमारा माफ़ नहीं है, हम अनिश्चित काल कर रहे हैं, मगर गाड़ी की सवारी थोड़ी हो चढ़ जाए, हमें कोई इतराज नहीं है, मगर ऐसा डिस्टेंसिंग का तो ख्याल रखें, ओवरलोड गाड़ियाँ जा रही है, सड़सठ सवारी जा रही है बीच में, तो गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? हमारी गाड़ी में 10 सवारियाँ ओवरलोड हो जाती हैं, कई जगह पर हमारे पास 3 नहीं होती हैं, कई जगह हमारे पास 60 भी हो जाती हैं, तो हमारा चलान करते हैं, इनकी कहाँ चलान क्यों नहीं होता है, इनको क्यों नहीं देखा जाता है, प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? हाँ ओवरलोड सवारियाँ हो रहे हैं, ये तो इनकी देखा जाए, इनको चेक किया जाए। वहीं हमीरपुर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक लखनपाल की माने तो उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में सभी रूटों पर सरकारी बसें चलाई गई हैं ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना आए। आज प्राइवेट ऑपरेटर जो हड़ताल पे गए, उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने अपने लगभग सभी रूट जो है लोकल में चलाने की कोशिश की है, और लोकल में वही रूट बंद रखे हुए हैं जहाँ पर स्टूडेंट बसेज थी और बिल्कुल भी सवारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त लोगों को दिक्कत ना हो, हमने सुबह से लेके अभी तक लगभग 10 बजे सुबह तक 8 बसें जो हैं स्पेशल भेजी हैं अलग अलग जगहों के लिए, जैसे सुजानपुर के लिए, जाहू के लिए, गलोड के लिए, वा देवी के लिए। तो जैसे जैसे डिमांड आ रही है और लोगों का रश बढ़ता जा रहा है या बढ़ेगा, उसके हिसाब से बसें देंगे, जिससे लोगों को परेशानी ना हो।